40 ml डाल दीजिए। 40 नहीं 30 ml ही डालिए, 25 लीटर में लगता है उतना। नहीं भरा अभी, ये अपने पानी डाल दिए अभी, और इसमें हम ये अपना ये ऑर्गेनिक IMC बूस्टर डाल रहे हैं, इसमें 30 ml 40 कर दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा। हाँ बस पर्याप्त है। चलो ये दवा डाल दी आपको, और अब यादव जी अब इसको स्प्रे के लिए निकल रहे हैं, पीठ में टांग कर अपने बाहुबली की तरह। इस पपीता में भी डाल देना थोड़ा। हाँ इस पपीता में पहले इस पपीते में डाल दो। एक काम की नहीं आदत दी है, पहले पपीता के पेड़ में डाल दीजिए, मिठास आ जाएगी इसमें। ठीक है मिठास आएगी थोड़ी, जड़ पे भी डाल दीजिए, जड़ पे डाल दीजिए थोड़ा जड़ पे। एक काम कीजिए इस साइड और डाल दीजिए थोड़ा, पूरे पेड़ में डाल दीजिए। ये देखिए यादव जी डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं पपीते के पेड़ में। इसमें क्या होगा, इसमें पेड़ ग्रोथ बनेगी और फूलने जड़ेगा, फूलने जड़ेगा और फल बढ़िया मजबूत होगा और मिठास अच्छी रहेगी, ऑर्गेनिक वाली ऑर्गेनिक है, इसमें मिठास अच्छी आएगी। देखिए इतना छोटा मक्का है, दोनों हो रहा है अपने एग्रो ग्रोथ बूस्टर का। क्या इधर जान दो ना, आपने इधर मारा ही नहीं। हम हाँ आइए इनसे जान लीजिए, पूरा पूरा लीजिए ना यादव जी, पूरा लीजिए। जैसे अपन मक्का डालते हैं तो 25 दिन बाद ये दवा डालिएगा, जैसे 25 दिन बाद डालोगे ना तो इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और फिर इसके बाद 25 दिन बाद फिर एक बार डाल दीजिएगा। जैसे यूरिया 3 बार डालते हैं अपन, इसको 2 बार डालना है बस हो गया। इसमें क्या फल फूल झड़ने से भी कीटनाशक जैसे कीड़े करकट वगैरह लगते हैं तो ये भी नहीं लगेंगे बढ़िया, और अपना जो है केमिकल वगैरह जो डाल रहे हैं तो इससे बीमारियां वगैरह होती हैं अपने को स्वयं को, तो वो बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। क्या ये ऑर्गेनिक है, पूरा आयुर्वेदिक है और ऑर्गेनिक है, इस वजह से इसमें क्या है कोई बीमारियां नहीं होंगी और अपनी फसल जो है ख़राब होने से बच जाएगी। और जैसे इसका जो फसल पकती इसके बाद अपन बीज के रख रखाव क्या अपना बोरियों में रखते हैं, पनी वनी नहीं लगाते तो उससे क्या है ख़राब हो जाता है, तो इसमें वो दिक्कतें नहीं आएंगी। लंबे समय तक इसका जो टिकाऊपन रहेगा इसमें और घुन नहीं लगेगा। आपका